इधर ये खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, यहां पर मां बेटी के साथ गैंगरेप की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक 16 जून को बरेली स्टेशन पर एक महिला और उसके दो बच्चों को नशा सुंघाकर अगवा कर लिया गया। बदमाशों ने संभल में महिला और 11 साल की बेटी के साथ 4 दिनों तक गैंगरेप किया। बाद में महिला और उसके 8 साल के बेटे को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और अभी भी महिला की बेटी बदमाशों के चंगुल में है। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए पीड़ित महिला पुलिस के पास चक्कर काटती रही लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। जब यूपी की मंत्री गुलाबो देवी के पास पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई तब जाकर पुलिस हरकत में आई और शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। लड़की भी के छीन लिया 4 बंदे के साथ 3 रात हमारे को बाद में ले गया। बहुत भारी बाद है, बगिया नाम है बाद के, कोई बाद में बहुत भारी जंगल है, खेती है, मक्की है, इसमें मेरे पे लेकर तो पूरा कपड़ा उतार करके मेरे बुरा बाबू हो छोड़ना हो बाबू पानी पिला देना हो और बाबू की कसूर कर लिया हो बाबू कोई नहीं बाबू भैया ना। कितने जने थे? 4 जने। उसने जो अभी तक वो है बताया है कि वो दरभंगा से ट्रेन से आ रही थी तो बरेली में उसे लोगों ने उतार लिया था और उसको बहला फुसला के वो गुन्नौर ले गए थे। वहाँ 3-4 लड़कों के लिए बताती है कि नाम नहीं जानती तो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। उस संबंध में तहरीर दे दी गई है और मुकदमा लिखा जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शीघ्र उन्हें गिरफ्तार।